तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में जो लॉक स्क्रीन होती है उसके अंदर जो क्लॉक होती है और क्या बोल सकते हैं स्टेटस बार होता है उसको कैसे आप हाइड करें या बोल सकते हैं कैसे उसको रिमूव करें अपने सैमसंग गैलेक्सी में। तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो उसके मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने लॉक स्क्रीन को यहाँ पर वन टैप करके लॉक स्क्रीन खोला और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको देख सकते हैं सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिख रहा है, ऊपर कोई भी स्टेटस बार भी नहीं दिख रहा है, ना कोई आपको यहाँ पर क्लॉक वाला आइकन दिख रहा है। मतलब कि सिंपल आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन दिख रही है जिसमें ये दिख रहा है। तो आपको उसको कैसे अपने अपने मोबाइल में इनेबल करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है गुडलक वाली ऐप में। गुडलक वाली ऐप आपको गैलेक्सी स्टोर पे मिल जाएगी, तो आपको वहां डाउनलोड करना है। ये कुछ सैमसंग गैलेक्सी के साइट पे सपोर्ट नहीं करता, बाकी अधिकतर हैंडसेट्स पे सपोर्ट करता है। तो अगर आपके मोबाइल पे नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए आपके मोबाइल पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है लॉक स्टार वाले, उसमें लॉक स्टार वाले को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है, एडिट पोर्ट्रेट लॉक स्क्रीन आपको दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगा आइटम वाला ऑप्शन, आपको उस पर जाना है। आइटम पे यहाँ पर आपके फेस विजार्ड्स और यहाँ पर स्टेटस बार पे क्लिक होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फेस विजार्ड्स, स्टेटस बार, लॉक आइकन, ये तीनों को आपको हटा देना है। और अगर आप चाहते हैं कोई नोटिफिकेशन भी आपको लॉक स्क्रीन पे नहीं मिले तो आप उसको नोटिफिकेशन को भी हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको सबको हटा देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्टकट्स और यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर का, सिर्फ आपको उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जैसे आप बाहर आएंगे और मोबाइल को लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद जब भी अनलॉक करेंगे आप देखेंगे वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब बहुत ही कमाल का ये फीचर लगा मुझे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है वीडियो कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।